तो आज आपको दिखाते हैं खतरनाक सी डॉग ब्रीड। डिटेल्स लेते हैं इस डॉग ब्रीड की। तो कौन सी डॉग ब्रीड है भैया ये? ये इंडियन मैस्टिफ बुल्ली कुत्ता है जी। इंडियन मैस्टिफ बुल्ली कुत्ता। और इसकी एज है जी 2 साल। 2 साल का भैया जी। और ये मेल है और इंपोर्ट ब्लड लाइन है जी दोनों तरफ। इंपोर्ट है भैया। कौन सी कंट्री का भैया? ऐसा है जी, इसका फादर है इंपोर्ट शेंडो और मदर है इंपोर्ट डॉग था कॉपर, उसकी बच्ची है मदर जी। ओके भैया। पाकिस्तान से इंपोर्ट आए थे ये। पाकिस्तान से इंपोर्ट आए थे गाइस। और 2 साल का भैया ये? 2 साल है। और ये स्टड सर्विस के लिए भी अवेलेबल है? हाँ, स्टड सर्विस के लिए अवेलेबल है। तो उसकी भी डिटेल्स आपको बताएंगे, भैया का कॉन्टेक्ट नंबर देंगे एंड में। और इसके पपीज होंगे भैया अवेलेबल? अभी पपी फीमेल मेट हैं जी, 2 पपी आएंगे अभी 1-2 महीने में। पपी अभी 1-2 महीने में अवेलेबल हो जाएंगे गाइस पपीज वगैरह भी। और क्या स्पेशलिटी होती है भैया, क्यों पालते हैं इन डॉग ब्रीड्स को? ऐसा है जी, एक तो जिनको शौक है हैवी डॉग रखने का। हाँ जी भैया, ठीक है। और सेकंड क्या है जी, बहुत ही लॉयल ब्रीड है, अपने ओनर के लिए बहुत ही लॉयल ब्रीड है। लॉयल है पूरे। हाँ जी। और सेकंड क्या है जी, रॉयल्टी फील होती है इस डॉग को पालने में, है ना। हाँ जी। इससे भी बड़ा साइज हो जाता है भैया इनका? नहीं जी, ये मैक्स साइज है। हाँ जी। तो भाई जी मैक्स साइज है जी डॉग की। कितनी हाइट है भैया? 34 इंचेस हाइट है गाइस इसकी। और वैसे भैया के पास पपीज भैया ने बताया 1-2 महीने बाद अवेलेबल हो जाएंगे। और ये मतलब फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स के लिए सुटेबल होते हैं भैया? सुटेबल है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही लॉयल ब्रीड है जी, फैमिली के लिए आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं आता है। और बच्चों के लिए भैया, जैसे घर में छोटे बच्चे हैं? बिल्कुल जी, बहुत फ्रेंडली है। मेरे पास छोटी गुड़िया है। हाँ जी भैया। एक 10 साल की बेटी है जी, एक 12 साल की बेटी है, वो इनके साथ खूब खेलती है जी, कोई इशू नहीं है। हम अकेला भी छोड़ देते हैं डॉग के साथ। तो गाइस ये जैसे भैया बता रहे हैं कि मतलब बच्चों के लिए भी ठीक रहते हैं और काफी खेलते भी हैं बच्चों के साथ, और साइज भी काफी जाइंट है। और गार्ड डॉग्स क्या बोल सकते हैं भैया इनको? हाँ बिल्कुल, गार्ड डॉग है जी। और गार्ड भी बहुत अच्छी करता है घर की डॉग ये। हाँ जी भैया, बहुत अच्छा लॉयल डॉग है जी, बिल्कुल फैमिली के लिए, और गार्ड बहुत अच्छे से करता है। एक्चुअल में साइज ही इतना है डॉग का, कोई वैसे ही नहीं घुसने की सोचता जी, इतना हैवी डॉग देख के। भैया ने बिल्कुल सही बोला है। और भैया वैसे कभी डॉग शो में लेके जाते हैं इनको? नहीं जी, ये डॉग शो में नहीं लेके गए, ये मतलब अपने शौक के लिए रख रखा है जी। तो भाई ये पहले शौक के लिए, और भैया मतलब डॉग शो में कभी लेके गए नहीं इनको। और एग्रेसिव तो कम लग रहा है भैया वैसे? ये ऐसे ही होते हैं, एग्रेसिव नहीं होता जी। अब मेरे साथ कोई बंदा है तो कुछ नहीं कहता। हाँ जी भैया। अननोन पर्सन कोई घर में घुसता है तो जी फिर एग्रेसिव हो जाता है। तो गाइस ये फिर एग्रेसिव होता है, और फेस भी काफी बड़ा है वैसे इसका, और साइज देख सकते हो काफी बल्की है। तो भैया जैसे आजकल बोलते हैं कि पिटबुल वगैरह न्यूज में हम सुनते हैं खतरनाक होते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा सबसे लॉयल डॉग है जी। सबसे लॉयल डॉग है? हाँ बिल्कुल, इनको अगर मैं खोल के खुला भी घुमाता हूँ ना तो बिल्कुल मेरे पैरों के साथ साथ रहते हैं, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाते जी, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। तो भाई जी भैया कहना काफी फ्रेंडली है और मतलब किसी को नुकसान पहुँचाते नहीं। और ये कौन से कलर में भैया? ऐसे ये चॉकलेट कलर है जी। चॉकलेट कलर और रेड नोज के साथ है जी। और एग्रेसिव होते हैं वैसे? नहीं भैया, बिल्कुल एग्रेसिव नहीं। तो भाई जी बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होती वैसे, और काफी खेलने में काफी फ्रेंडली होते हैं। ऐसा है जी, बिल्कुल लविंग डॉग है, फैमिली के लिए, बच्चे कैसे भी साथ रहे कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ एक ब्रीड को बदनाम किया गया और कुछ भी नहीं है जी, बिल्कुल लॉयल डॉग है। तो भाई जी भैया का कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो अब मैं भी सामने बैठा हूँ और आस पास और भी बंदे हैं, तो मतलब ये अटैक कर नहीं है, काफ़ी फ्रेंडली है और आराम से खेल रहे हैं। तो इनको खाने में क्या देते हो भैया? ऐसा है जी, इनको सुबह फीड और दही देते हैं। सुबह फीड और दही, और रूटीन में इसको नॉन वेज चेंज करके देते हैं जी, कभी बकरा देते हैं कभी चिकन देते हैं जी। कभी चिकन देते हैं और कभी बकरा देते हैं गाइस। और डाइट पे इनका ये मतलब जो इन वो होते हैं भैया स्टेमिना, वो नॉर्मल डॉग से ज़्यादा होते हैं? नॉर्मल डॉग से ज़्यादा एक्टिव ब्रीड है जी। तो नॉर्मल डॉग से ज़्यादा एक्टिव हैं गाइस ये।
और वो आपको देखने में भी लग रहा होगा, खेलने के पूरे मूड में रहते हैं। इसके पपीज अवेलेबल होंगे भैया आपको? जी, इस फीमेल को हम मेट करवाएंगे, अभी ये ऑन एट है फीमेल, तो ऑन एट पे है अभी। हाँ, मेट नहीं हुई है। हाँ जी। और इसके वैसे पपीज का क्या रेंज होगा भैया? ऐसा है जी, इसका 15,000 रुपये का मेल देंगे और 10,000 रुपये की फीमेल देंगे। तो 5,000 रुपये का मेल मिलेगा आपको और 10,000 रुपये की फीमेल। और कितने टाइम में मिल जाएंगे भैया? 2 महीने बाद इसके बच्चे आ जाएंगे। 2 महीने के अंदर आपको गाइस मिल जाएंगे। और ये जो मेल दिख रहा है, ये स्टड सर्विस के लिए? हाँ, स्टड सर्विस के लिए अवेलेबल है। तो गाइस स्टड सर्विस के लिए भी अवेलेबल है, उसके लिए आप भैया कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्टिव डॉग होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। और फैमिली के लिए, जिसके मतलब घर पे छोटे बच्चे होते हैं, कोई इशू नहीं है जी, अकेला छोड़ मैंने घर पे ही पाले हैं ये दोनों, तो मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहे हैं। मतलब घर में फैमिली के साथ अकेले रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं जी, कोई इशू नहीं है। उन्होंने घर पे ही पाले हैं बच्चे और फैमिली के साथ कोई इश्यू नहीं होता वैसे इनको। और वैसे इनके पपीज भी भैया 45 डेज के ही होते हैं? हाँ जी, 45 डेज से छोटा बच्चा हम सेल नहीं करते। तो गाइस भैया 45 डेज से छोटा बच्चा सेल नहीं करते वैसे। और फ्रेंडली तो काफ़ी होते हैं, अभी आप देख रहे हो, मतलब मैं सामने घूम रहा हूँ, मेरे कोई कुछ नहीं कह रहा। तो ये मतलब न्यूज़ में हम जो सुनते हैं वो ऐसे ही बना रखे हुए हैं? ऐसा है जी, देखो जो लोग गलत तरीके से इनको पालते हैं वो एग्रेसिव बनाते हैं जी इनको, वैसे ही एग्रेसिव नहीं होते भाई। भैया ने बिल्कुल सही बात बोली, जो ओनर पे डिपेंड होता है वैसे का, ओनर पे डिपेंड होता है। बिल्कुल बिल्कुल, गाइस ओनर पे डिपेंड होता है बेसिकली कि आप डॉग को कैसे रख रहे हो, वरना काफ़ी फ्रेंडली डॉग होते हैं और दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी फ्रेंडली खेल रहे हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं रोहतक के अंदर एक काफ़ी अच्छा डॉग क्लिनिक।